हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप अपना जो है MIUI 12.5 या MIUI 13.5 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको हमारे कंट्रोल सेंटर के अंदर कुछ नए टॉगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ से म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। यहीं से हम कैमरे को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैमरा लॉन्च हो चुका है हमारे फोन के अंदर और म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। म्यूजिक को हम पॉज कर देते हैं। कैलकुलेटर को भी हम यहां से ओपन कर सकते हैं। इवन जो है, हमने इसके अंदर अलार्म का बटन भी यहां पे सेटअप कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप भी अपने कंट्रोल सेंटर पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो MIUI 12.5 हो, चाहे MIUI 13 हो, चाहे MIUI 13.5 हो। ऐसे कुछ टॉगल्स जो है किसी भी एप्लीकेशन के शॉर्टकट से, किसी भी ऐप्स के, आप उनको अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के टॉगल जो है आप भी अपने Xiaomi के फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं। आपको ना फ़ोन को रूट करना है, ना अनलॉक करना है, ना कोई कस्टम रिकवरी चाहिए। सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन होती है क्विक सेटिंग्स, आपने उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। क्विक सेटिंग्स की जो एप्लीकेशन है, ये एक फ्री टू यूज़ एप्लीकेशन है और उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही कुछ ऐसे टॉगल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप शो ऑल के ऊपर जाइए, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस में यहाँ पे लिखा है जैसे रूट परमिशन, तो इसके लिए रूट चाहिए तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम विदाउट रूट वाली जो एप्लीकेशन है उनको यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए कि हम एक शॉर्टकट जो है अपने फ़ोन के अंदर ऐड करना चाहते हैं। ऐप शॉर्टकट्स में जाइए, यहाँ पर इनेबल टाइल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब जो है उसके एक ऐड आपको देखने को मिलता है। बट उसके बाद अगर आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको नीचे अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन का एक नया शॉर्टकट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करते जो है ये आपके फ़ोन पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी पोजीशन पर ला सकते हैं। चलिए हम उसको किसी पोजीशन पर ले आते हैं। हम इसको यहाँ पे टॉर्च के बगल में देते हैं और डन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे वो एप्लीकेशन एंड शॉर्टकट्स का जो ऐप है वो आपको यहाँ पे टॉगल देखने को मिल गया। अब इसके ऊपर आप एक बार जैसे टैप करेंगे, अब ये आपसे पूछेगा कौन सी एप्लीकेशन को आपने इसके अंदर यूज़ करना है। तो आप उस एप्लीकेशन को जो है अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। आपको सारी की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो जो एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे होंगे उनको आप अपने फ़ोन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम गैलरी को ऐड कर लेते हैं, तो अब जो है वहाँ पे उस टॉगल में आपको जो है गैलरी का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं गैलरी के बटन पर टैप करता हूँ तो ये देखिए गैलरी जो है हमारे फ़ोन के अंदर लॉन्च हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंट्रोल सेंटर को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी टॉगल को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कैमरे को ऐड किया, हम इवन जो है म्यूजिक को भी इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। और म्यूजिक जो है हमारे फ़ोन में इस टाइम पे प्ले हो रहा है। मैं आपको थोड़ी साउंड कर देता हूँ, ये देखिए म्यूजिक जो है प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने जो है MIUI 13, MIUI 12 या MIUI 12.5 का जो कंट्रोल सेंटर है उसको मैनेज कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फ़ोन की सेटिंग्स के टॉगल्स जो हैं अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से जो है आप अपने कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो काफ़ी हैंडी फीचर है और आप काफ़ी सारी ऐप्स को अपने मन मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बस ये आज का छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।